समय हम मौजूद हैं दक्षिणी दिल्ली के सरदार पटेल कोविड केयर अस्पताल के बाहर। देखेंगे यहाँ पर थोड़ी झमाझम बारिश होने से पूरा जलमग्न हुआ पड़ा है। यहाँ नाली सीवर का गंदा पानी बाहर निकला पड़ा है। एक तरफ जहाँ राजा स्वामी व्यास सत्संग घर के अंदर 10,000 बेड की सुविधाएं कराई गई है, यहाँ पर कोरोना मरीज क्वारंटाइन होकर ठीक होने आए हैं, वहीं दूसरी तरफ ये पानी जमा होने से मलेरिया चिकनगुनिया जैसी अन्य बीमारियों को भी दावत देता हुआ नज़र आ रहा है। बता दें कि प्रशासन के द्वारा साफ साफ लापरवाही नज़र आ रही है। जहां प्रशासन लाखों दावे करती है उसकी पोल खुलती हुई नज़र आ रही है। बता दें कि ये राधा स्वामी व्यास सत्संग घर का इलाका है, पूरा बहुत लंबी दूरी में। यहां पर 10,000 बेड की एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है। और वहीं दूसरी तरफ ये बाहर पानी तालाब का रूप लेते हुए नज़र आ रहा है। देखें कई मीटर तक ये पानी इसी तरीके से भरा हुआ है, जिसके कारण अन्य बीमारियों को भी दावत देता हुआ नज़र आ रहा है। मैं विकास तिवारी, दिल्ली 10 तक दिल्ली।